बहुत खुशी है कि मुझे इतने प्रतिष्ठित गणपति पंडाल पर आने का मौका मिला और मैं बिल्कुल मगन थी जब आरती चल रही थी। और आई थिंक एक बुलावा भगवान का आता है तभी आपको मौका मिलता है आने का, एंड बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि इतनी प्यारी आरती के सामने मुझे वो करने का मौका मिला, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिला, इतने सारे लोगों के साथ आरती करने का एक्चुअली चांस मिला, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार देते हैं। ऑफ कोर्स एक दिल को खुशी मिलती है कि आप कुछ यू नो, और वो खुशी में आप कभी भी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप काम लोगों के प्यार के लिए करते हैं, एंड जब लोगों का प्यार मिलता है तो उससे ज़्यादा आई थिंक मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। देखो, मैं गणेश जी से जुड़ी हुई चीज़ की समानता और डिफरेंस और वो सब नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि हर जगह जो जिस बिलीफ के साथ आप गणपति सेलिब्रेट करते हैं वो महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत प्यार से लोग सेलिब्रेट करते हैं, सब साथ में आके सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं, जुड़ कर भगवान का शुक्रिया करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।